भाई गुस्सा हो गया था अभी, इसे लेके आया गाड़ी में छुटा के। कैसा लग रहा है तेरे को? बड़ी एक्साइटेड है क्या? नहीं, बहुत छोटा भाई है मेरा। ये लिफाफा कैसे दिया भाई? लड़की की शादी में हमें लिफाफा? दो साल पहले इस आदमी की जगह ये आदमी था। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि ज्यादा ट्रैवलिंग बीच में स्वागत करता हूँ मैं यश भारद्वाज। तो गाइस, आज का कुछ ऐसा प्लान है, आज मेरी बहन की शादी है और सुबह के बज रहे हैं 8, तो सीधा मैं बहन की शादी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सीधा यहाँ से तैयार होके सीधा वहां पहुंचूंगा, आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। और आज स्किप मत करना क्योंकि बहन की शादी है, तो देखना और चलते रहे। कुछ ऐसी है भैया, सुबह सुबह का टाइम हो गया है, योगा टाइम मेरा, ट्रेनर साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो पहले योगा करेंगे। और ये बच्ची मेरा मैट ले जा रही है, देखो। प्राणायाम कपालभाति, जिससे हमारा इम्पोर्टेंट ये हमारा कपालभाति वजन कम करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 3-4 बार पूरा सांस भरेंगे और फिर उसको नाक से छोड़ेंगे। लगा आज का दिन मेरे साथ? ऐसा लगा? हाँ। बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगा इनके साथ। आपको सही लगा? मैं सही कर रहा था थोड़ा बहुत। हाँ, अच्छा किया, बढ़िया किया। चलो, पहला दिन था, शुरुआत है, डेली करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। चलो अब मैं कल करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, तो फाइनली गाइज आज हम ये वेयर करेंगे अपनी बहन की शादी में, जो मैं महाराजा से लेके आया हूँ। और व्हाइट शर्ट है, कलफ लगी हुई, तो इसे हम पहनेंगे आज। और इसके साथ पहनेंगे व्हाइट जींस, जो अभी मेरी मिल रही नहीं है, उसे ढूंढकर आपसे बात करता हूँ। मेरी व्हाइट जींस मिल चुकी है, ये मेरा कॉम्बिनेशन है, आज हम ये पहनेंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे कि गाड़ी में हम बैठ के क्या पहनेंगे। चलिए, मैं निकल चुका हूँ गाजियाबाद के लिए। जैसा कि मैं सीधा गाड़ी में बैठ गया हूँ, अभी मैं आपको पुपा जी से भी मिलवाऊंगा, पुपा जी मेरे साथ ही हैं। तो अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, उसके बीच में आपको मिलवाता हूँ। चलिए, ये जाम कितना लग रहा है यहाँ टोल पे? कैसा लग रहा है तुम्हें आज हमारे साथ जाते हुए? तुम्हें पहले ये बताओ, जाम तो होता ही है यहाँ पर? अच्छा, टोल पर? टोल पर। अच्छा, लेकिन आपके लिए तो कोई जाम ही नहीं है, आप प्रदेश लेवल के पर्सन हैं। अरे नहीं, अभी देखते हैं, अभी बात करते हैं। तो सच में यार भीड़ बहुत है, देख रहे हो ना पुपा जी, दोनों तरफ भीड़ है ना? हाँ जी। तो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ वेन्यू पे, अभी मैं तैयार हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगा। वेन्यू ये रहा सामने, अभी पहले मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फाइनली अभी कपड़े नहीं पहने मैंने, तो यहाँ पर पापा मम्मी और पुपा जी फोटो करा रहे हैं और मैंने अभी कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो एक छोटा सा नन्ना सा जीजा जी का पुत्र या लड़की? लड़की है। अच्छा, मेरे को तो पता भी नहीं चला, आपने बताया भी नहीं ना, फोन करा किसी ने? क्यों, किसने करा कॉल बताओ? हाँ, मेरे पास नंबर नहीं। शादी में भी नहीं आया आप? इसी के चक्कर में तो नहीं आया। फाइनली गाइज ये है हमारा आज का रूम, यहाँ पर अभी हम कपड़े बदलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। दो साल पहले इस आदमी की जगह ये आदमी था। कैसा लगा मेरे को ये एक्सपीरियंस? अच्छा, यहाँ बैठा हूँ और वाइट में हूँ भाई, शायद अच्छा लग रहा हूँ आपको, सबको बता रहा। उस हिसाब से जीजा जी ये रहे होने वाले हमारे, और अपने आपको दिखा रहे हैं। कैसे हो आप सब? ऑल गुड यार। भाई मुझे तो लग रही है भूख, तो मैं थोड़ा सा स्टटर ले रहा हूँ, इसमें मंचूरियन और पनीर है। तुम दोनों को भी भूख लग रही है ना? ये लिफाफा कैसे दिया भाई? लड़की की शादी में हमें लिफाफा? ये लड़की वालों ने दिया, लड़के वालों ने दिया। अच्छा, जीजा जी ने दिया भाई, पैसा मिल गया, पैसा आपकी पैसा। चाचा और पापा बैठे हुए हैं, अभी ये कुछ खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। बेसिकली शादी वाले घर में यार हम खुद व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर अपने की किसी की शादी होती तो ये लगता है यार कुछ छूट ना जाए, तो यही सब कुछ हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं नीचे सीधा हॉल के अंदर और उन्हें छोड़ते हैं कमरे में। भैया मम्मी की तो हो रही है फोटोग्राफी, अभी हम बाद में बात करेंगे। चलिए, मतलब शादी वाले घर में एक और चीज होती है, और वो चीज आपको दिख रही होगी कि कैमरामैन जो होते हैं वो हर किसी के फोटोज लेते हैं, तो यही शादी वाला घर होता है। और शादी के दिन भाई सबसे ज्यादा जॉब सबसे ज्यादा जिसकी होती है वो होती है पिता की सबसे बड़ी जॉब होती है सच में। तो अभी मैं आपको आगे की चीज और दिखाऊंगा, अभी तक बने रहें पूरे ब्लॉग में और देखते रहें द ट्रैवलिंग बीच। कुछ इस हिसाब से मैंने ड्रेस पहन रखी है, नीचे मेरे बूट हैं और वाइट है पूरा ऑल। हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है तरुण भैया? क्यों? ये मेरी बेटी है। बेटी? अच्छा, ये बेटी है। ओहो, ये मेरा भतीजा है गाइस। और तरुण भैया
का लड़का है। खाना कैसा है यहाँ का जल्दी बताओ। खाना बहुत बढ़िया है भाई। अगर तुझे भी बढ़िया लग रहा है और आपको चाची मीठा है सब। अच्छा मीठा है भाई। हाँ। मुझे तो इतनी मिर्च लगी है इस खाने में अभी और तुम्हें मीठा लग रहा है, ऐसा क्यों? पता ना, तुम्हारे छाले हो रहे हैं ना। अच्छा मुझे छाले थोड़ा सा गोलगप्पे खाते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस हिसाब से गोलगप्पे कर रहा है। थैंक यू भाई। भैया मम्मी का फोटो खींचते ही अब ब्लॉग बनाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ, पहले ब्लॉग बना लेता हूँ मम्मी का। कैसा लग रहा है अभी तक का प्रोग्राम, कैसा लग रहा है? क्यों? अरे यार कुछ ज्यादा, एक बार से लोग क्राउडेड नहीं दिख रही मेरे को। मतलब ऐसा है, लड़की की शादी है ना, तो हमने कम ही इनवाइट कराया। चले इतना एंजॉयमेंट, मतलब जैसे होता है धूमधाम। कुछ लोग हमारे मतलब रिश्तेदार कम आए हैं इस बार, क्योंकि पता नहीं कोई बीमार पड़ा है कुछ पड़ा है। अभी मैं मिलवाऊंगा, थोड़ी देर में आपको मिलवाऊंगा। पूरा देखते रहे, ट्रैवलिंग भी सब बने रहे। पुलकित भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं। पुलकित क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। पढ़ाई में क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई कर रहा है। बालक बहुत सीधा है। पुलकित मेरा चैनल देखते हो तुम? कैसा लगता है? चलो यार अच्छा लगता है। मैंने तो पहली बार मजाक में पूछा था, मगर देख तो सीरियसली। चलो यार ठीक है गाइस, अभी ये हमारा छोटा भाई मिला है। आया कर दो भाई व्यूअर्स के लिए हमारे। और भाई बहुत अच्छा भाई है मेरा, लगभग 2 साल की दोस्ती है। और मेरी वजह से आया शादी में, मेरी वजह से आया ना, तो ये मेरी वजह से आया। अभी इससे बात करें। एक नंबर मजाक कर रहा है वो, एक नंबर है। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा आइसक्रीम। भाई जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ये पानी की बोतल है आकाशा, मुझे नहीं पता था। यहाँ पर भैया दूल्हे राजा जी आ गए हैं, और दूल्हे राजा जी हमारे जा रहे हैं आगे। चलिए खाना खाने वाला हूँ, तुम्हें कुछ लाना है? हाँ मुझे लाना है। क्या? पहले भाभी जी का फोटो खिंचवाना है। अच्छा अभी ताई जी आपका फोटो अभी मैं खींचूंगा, ठीक है? ताऊ जी और ताई जी का मैं फोटो खींचूंगा। खाना खाना और हिमांशु भाई को भेज दूंगा, मैं हिमांशु भैया को भेज दूंगा, ठीक है? चलो अभी मैं फोटो खींचता हूँ गाइस, उसके बाद आपसे बात करूंगा। गाइस मेरा खाना कुछ ऐसा है और इसका खाना ऐसा है। क्या है भाई ऐसा? कुछ तो बोल भाई। इसका खाना कुछ ऐसा है। हाँ तो जरा खाना बताओ कैसा कैसा है। ऐसा है मेरा खाना तो। क्या है खाने खाने? इसका खाना ऐसा है। कैसे? ये मेरा भाई है और बहुत छोटा भाई है मेरा, ज्यादा प्यारा भाई है। चलो इनसे मिलवाओ जरा, ये थोड़ी बंदूक आगे करो। हमारे बड़े भाई है। बंदूक आगे करो अपनी, दिखाओ जरा। बस ये हाँ हमारे बड़े भाई। ये ऐसा है तो मैं सिक्योरिटी में हूँ भाई की। मैं भाई की फाइनली गाइस अभी लड़की आने वाली, हमारी बहन आने वाली है, सीधा वहाँ चलेंगे और उसके बाद अभी भाई से बात करेंगे। कैसा लग रहा है अभी तक का प्रोग्राम? बढ़िया रहा ना? और क्या करना है फिर आगे का हिसाब क्या है? देर से बोलो, आवाज नहीं आ रही होगी मेरी। देखते नहीं है भाई, गुस्सा हो गया था अभी इसे लेके आया गाड़ी में छुटा के। गलती ये हो गई कि मैंने वीडियो नहीं बना पाया। चलो अभी दिखाते हैं दूसरा लड़की को, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और बुआ जाते हुए हमारी कैसा लग रहा है तेरे को? बड़ी एक्साइटेड है क्या? नहीं और तुम थी एक्साइटेड क्या बहन? 2 साल हो गए, बच्चे हो गया, तो कुछ तो और आगे की बात बताना है, इसे एक्सपीरियंस दो कुछ। कैसे चलना है बताया होगा ना इन्होंने? कुछ कुछ बताया? कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस से चलियो बस। हाँ भाई अहमदाबाद ही है, अब अहमदाबाद आना पड़ेगा। भाभी देंगी, भाभी बताओ ना कुछ अपना अपना शादी का एक्सपीरियंस बताओ। बहुत बेकार था वैसे। भाई अच्छा है, भाई बहुत तारीफ हो रही है। खड़ा ले चलो बड़ी भाभी ये रही हमारी। भाई तारीफ हो रही है, भाभी देख रहे हो तुम, तारीफ कर रहे हो, भैया कह रहे हैं लेके चलो। बाकी की बात ये बाद में बताएंगे तुम्हें, अभी तो वैसी बताई थी, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में बताएंगे तुम्हारी। हाँ भाई आज की डेट में भैया दुल्हन तो दुल्हन ही दिख रही है भाई, देख रहे हो ना पूरी वीडियो में दुल्हन ही दिख रही है भाई, चमक रही है। ऐसे अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी वरुण भैया को बुला रहा हूँ। वरुण भैया आ
जाओगे तरुण भैया, आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे यार? तो गाइज आपको दिख रहा होगा दोनों बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जैसा कि जीजा जी और मेरी छोटी बहन दोनों बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और देखो कितनी क्यूट दिख रही है ना, अभी हाथ जोड़ते हैं। और भाई ये जा रही है यहाँ से सीधा अहमदाबाद और हमें बहुत याद आएगी सच में। भैया इन्हें हो गए 2 साल, लगता नहीं है। और देखो ये रो रही है लड़की, पता है मेरे जीजा जी ने रुला रखा है ना, आपने क्यों रुलाया? अच्छा ओह भाई देखो यार इन्होंने झूठ बुलवा दिया मुझसे, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं दोनों एक साथ खड़े हुए। अब सीधा निकलते हैं घर की ओर, सीधा गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब सीधा निकलते हैं घर की ओर। चलिए भाई रात के बज रहे हैं 12:30, 1 रात के लगभग 1 बज रहा है, सॉरी 12 नहीं बता रहा था, 1 बज रहा है। और लाल कुएं के लिए मैं निकल चुका हूं, पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा। और अभी सीधा मैं जब पहुंचना है बुलंदशहर, तो अभी रात को बीच में बोर्ड से दिखाऊंगा और सीधा चलते हैं बुलंदशहर। तो गाइस अब सोने का वक्त हो गया और अभी हम सोएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दें और इसे बढ़ दें। जब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे अगली जगह। चलिए।